बताइए जैन साहब। यस, गरवारे हाईटेक फिल्म्स, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, अगेन गरवारे हाईटेक, शायद ये दूसरा नाम आ रहा है, वो गरवारे टेक फाइबर से कंफ्यूज होने, स्क्रीन पे आना चाहिए गरवारे हाईटेक फिल्म्स। तो एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, अगेन पॉलिएस्टर फिल्म बनाने की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और पिछले 33 साल से मतलब 17 राज कर रखी है, और गरवारे नाम आता है तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाता है। और देखिए ये कंपनी गरवारे बहुत पुराना ग्रुप है, और जो बॉम्बे रहते हैं उनको सबको पता है गरवारे चौक, गरवारे कई वो है शॉप होते थे बस स्टॉप, इसलिए मुझे गरवारे और ज्यादा मैं रिलेट कर पाता हूँ। तो पॉलिएस्टर फिल्म बनाती है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, फिर इनके 5 इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और दूसरी बात यह है कि ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स बनाने में भी अभी एंट्री लिए हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इनके अगर आप सेगमेंट्स की बात करें तो 2 सेगमेंट्स में आप बिजनेस सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन और कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन, और उसमें पॉलिएस्टर स्लिंग फिल्म्स का लीडर है ये कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन में बात करें, और दूसरी तरफ जो ऑटोमोटिव सन कंट्रोल फिल्म्स है और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स है उसमें ये ओनली मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर, और फर्स्ट पायनियर बोल लीजिए आप, फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर पीपीएफ शॉर्ट फॉर्म में बोले। फिर ये 1957 से कंपनी कार्यरत है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, और एक डाइड पॉलिएस्टर फिल्म्स की ये सिर्फ 3 वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरर्स है उनमें से ये कंपनी है। सो इस तरीके का इस कंपनी के क्रेडेंशियल्स हैं, और गजब की वर्ल्ड क्लास कंपनी अगर इंडिया में मिलती है, और जो कि अपने हर सेगमेंट में वर्ल्ड लार्जेस्ट मान लीजिए आप, और अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो सिर्फ 12 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक है, 0 डेट कंपनी है, अब 0 डेट कंपनी मतलब थोड़ा सा नेग्लिजिबल 0.09% के डेट इक्विटी रेशियो है, दूसरा 55% की प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल में रही है, 5 साल में 50%। तो मैं सितंबर 20 का रिजल्ट देख रहा था तो 38 करोड़ का इनका पैट था, इसके सामने 43 करोड़ का सितंबर 21 में पैट आया। लास्ट 5 क्वार्टर में कंपनी ने गजब का ग्रोथ दिखाया और गजब की परफॉर्मेंस है, तो 154 करोड़ का हाईएस्ट एवर अगर टीटीएम बेसिस पे पैट देखें तो वो आया। फिर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो उसमें भी बहुत बढ़िया कुछ नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड, और आशीष कचोलिया जी ने भी पिछले क्वार्टर में पिछले इनफैक्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं, तो उससे भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और सबसे बढ़िया बात यह कि यह स्टॉक ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, 1225 के लेवल्स दिखाया, उसके बाद हमें अगर इतने सस्ते लेवल्स पे मिलता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, यहां से ले और आराम से 1130 1170 का टारगेट लगे। ओके, तो गरवारे हाईटेक फिल्म्स, इस पर है जैन साहब की तरफ से राय आज के जेम शेयर्स में, 830-840 के करीब आपको यहाँ पर दाम देखेगा, थोड़ा वॉल्यूम्स कम है बट यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और 1130 से 1170 के टारगेट्स जैन साहब आपको इस काउंटर पर दे रहे हैं।